पनीर अफगानी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम के करीब पनीर लिया हुआ है, इसको मैंने बड़े साइज में कट कर लिया है। चलिए अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और फ्रेश कटी हुई हरी धनिया और थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब हम इसको सैलो फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, ऑयल गरम हो गया। अब हम वन बाई वन करके इस तरीके से पनीर को रख देते हैं। एक साइड से तो बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है पनीर में, दोनों साइड से कलर आ चुका है। चलिए अब हम इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ग्रेवी के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है। अब हम इसमें लंबे स्लाइसेस में प्याज काट लेते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिया था। थोड़ा सा हम गार्लिक के पीसे डाल देते हैं और थोड़े से अदरक के पीसे डाल देते हैं और हरी मिर्च। ये देखिए प्याज में हल्का सा कलर आ चुका है। अब मैं इस स्टेज पे 8 से 10 काजू के पीसे डाल देती हूँ। प्याज और काजू अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं। इसमें हम फ्रेश कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं। मिक्सचर हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे 2 टेबलस्पून दही डाल देती हूँ। इसका एक महीन पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। हम इसके साथ ही 1 टीस्पून बटर डाल देते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाला, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और 2 हरी इलायची। हमारे खड़े मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं तैयार किया हुआ पेस्ट डाल देती हूँ। इसको मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं और इसके साथ ही हम डालेंगे फ्रेश कटी हुई हरी मिर्च और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देते हैं। अब हम एक लिड की सहायता से 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं जिससे हमारे मसाले अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें फ्रेश मलाई डाल देती हूँ 1/2 कप। इसको भी अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए ग्रेवी हमारी बनकर के तैयार है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी क्रश की हुई ब्लैक पेपर और थोड़ा सा गरम मसाला। हम लास्ट में डाल देते हैं फ्राई किए हुए पनीर के पीसेज। ये देखिए हमारी पनीर अफगानी बनकर के तैयार हो गई है। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इस प्रकार हमारी यम यम पनीर अफगानी बनकर के तैयार है। आप इसको पराठे या चपाती के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।